लड़ाई ना करो जी। यार बहुत धक्के खा देते खा देने अत कहने तिया दुखी है बहुत दुखी है सामने तक के पाल अड़ी कुड़ी ने की और कन्या ने कड़ा न कितन पड़ीची है जी। मैं इत्थे बैठी हां इत्थे अंदर ही जावांगी। मैं इत्थे रहना अपने बच्चे दा नाल जिन्ना टाइम नहीं दरवाजा खोलणगे मैं नहीं जाऊंगी। गोरी की फोटो जी अटाली लड़की ना रहा पहले ही जिस टाइम मेरी बेटी उत्थे गई ये सामने उन्होंने लैके आंदा रहा घर। ये तुसी जानते हो तुहानू पता सी कि लड़की फोटो नहीं। मैं फोटो दे विच कुछ ऐसी फोटो ने जो मैं नहीं अज तक विखाना चाहती होर भी है ने विच जो तुसी दे सकदे हो मीडिया नू जे देना चाहो कुछ जी इन्हों की फोटो जी वाली फोटो दे सकदे हो। हाँ जी आ वाली दे सके जिहड़ियां होर सी ओह फोन दे विच सी पर उन्हें फोन मेरा तोड़ दित्ता सी। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਠੱਗਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੇ ਦਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਹੀ ਲੋਭੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो रोजाना स्पोक्समैन के नाल ते मैं नवदीप सिंह। इस वेले खड़े हाँ जिला कपूरथला की तहसील भुलाथ के पिंड भगवानपुर दे विच। दस दिए बीते कुछ साल पहला एक औरत वालों जो इटली दे विच एक वीडियो वायरल की गई सी जिस दे विच उस वालों अपने पति पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसका गर्भपात टेस्ट करवाया गया है। तो जो पता चलता है कि गर्भ दे विच लड़की है तो उस तो बाद इटली दे विच उसका पति उसदे नाल मार कुटाई करनी शुरू कर देता है। उसदे नाल तशद्दद उसते ढांदा है तो होर भी कई तरह के ये गलबात होंदी है। सो दस दिए लड़की का जिहड़ा ब्याह 2014 दे विच होया सी। उस तो बाद लड़की 2018 तक अपने घर सोहरा परिवार दे कोल ही रहिंदी है ते 2018 दे विच सोहरा परिवार लड़की नूं जिहड़ा इटली लई रवाना करके आउंदा है उसनूं एयरपोर्ट छड्ड के आउंदा है। ते उस तो बाद जदों लड़की इटली विच पहुंचदी है तो उत्थों जदों वीडियो सामने एक निकल के आंदी है उस लड़की दी ते उस विच इह किहा जांदा है कि मैनूं जिहड़ा मेरा पति मार कुटाई करदा तशद्दद ढांदा ते मेरे नाल जिहड़ा ਵਿਤਕਰਾ कई तरह का किया जा रहा है। जिस तो बाद उसनू घरों बाहर कढ़ दिता जाता जिस तो बाद वो सरकारी शरण लैंदी है उत्थे किसी सरकारी संस्था की उस वालों शरण ली जाती है। लड़की पैदा होंदी है अगे जाके तो उस तो बाद जदों लड़की पैदा होंदी है तो उस लड़की वालों यानी कि नवजोत कौर वालों अपने पति नूं कहा जाता है कि दोबारा घर नूं सही कर लीए कि हुण बच्ची पैदा हो गई है तो हुण घर नूं जो भी गलबात है खत्म करिए तो अपनी नवीं जिंदगी शुरू करिए। सो गलबात किसी टिकाने नहीं लगती डिस्प्यूट चलता रहता है। डिस्प्यूट इन्ना को वध गया हुण बच्ची भी 5.5 साल की हो गई है। नवजोत कौर इटली दे विच इस सरकारी संस्था दे विच रह रही सी ते अपनी जिहड़ी बेटी का पासपोर्ट बनाउंदी है ते हुण 5.5 साल के करीब उस तो बाद अपने भारत यानी कि पंजाब दे अपने सोहरा परिवार दे घर हुण रहण लई जदों वापस आउंदी है तो हुण सोहरा परिवार गेट नहीं खोल रहा। सोहरा परिवार कह रहा कि असीं गेट नहीं खोलांगे असीं दाखल नहीं होण देवांगे नवजोत कौर नूं। गलबात कर लैंदे नवजोत कौर। इस वेले देख सकते हो तस्वीर दे विच अपनी 5.5 साल की बच्ची दे नाल नवजोत कौर एक घर के बाहर बैठी हुई है। उसका नवजोत कौर का पूरा परिवार भी नाल आया होया उसके पिंडों सरपंच भी उन्होंने नाल आए हुए। दस दिए नवजोत कौर हरियाणा की कैथल जिले की रहने वाली है तो कैथल तो जिहड़ा पंजाब दे विच 2014 च विआह हुंदा है 18 तक चंगा भली जिंदगी चलती है। तो उस तो बाद हुण जिहड़े 18 तो बाद जदों विदेश के जाती इटली जाती है तो डिस्प्यूट चलना शुरू हो जाता है तो उस तो बाद सारी जिंदगी नवजोत कौर की बदल जाती है। नवजोत 5.5 साल पहले इटली धक्के खाधे कई तरह की खज्जल खुआरियां वीडियो भी तुहाडे वालों वायरल कीतियां जांदियां सी कि मेरे नाल एक तशद्दद हो रहा कि कुछ तुहाडे नाल होया। घर वाला भी तुहानूं उत्थे छड्ड गया इकल्ले नूं ही बच्ची तुहाडी तुहाडे कोल रह रही है। की गलबात की होई सी? मैं इत्थे 2018 दे विच बाहर गई सी। इत्थे मेरे नाल ठीक ठाक रहिंदे सी ते जदों मैं 2018 में उत्थे गई मेरा इत्थे जो चैकअप कराया गया बेटी दस्सी गई ते इन्हां ने मेरा गलबात करनी बंद कर दी कहंदे बेटा चाहिदा ते मैं इन्ने फिर मैं हॉस्पिटल दे विच रही। जदों बेटी पैदा होई फिर भी मैनूं कहा मैनूं घर लै जा ते मैनूं लैण नहीं आया फिर भी असी इत्थे भी पंचायत हुई साढ़े इत्थे पिंड विच भी तो उत्थे बहुत कहा भी लै जा पर लै नहीं आया हैगा। तो उस तो बाद फिर मैंने कमूने दे विच 3.5 साल अपनी बच्ची दे नाल रही हाँ उत्थे। तो उस तो बाद भी उन्होंने मैनू रहन तो मना कर दिता। तो मैं अपनी बच्ची नू लैके किसी के घर रहिंदी भी हाँ हुण इस टाइम। तो मैं गुरुद्वारे में रही किसी के घर कदे किते अपने तरले मिंता करके उत्थे मैं रही हाँ। तो मेरे इन्नू बहुत बार कहा मैनू लै जा पर लै नहीं आया है। नहीं कारण लड़ाई जी उत्थे 2018 जाते हो जो लड़ाई थोड़ी शुरू हो जाती है आपसी गलबात किसी कोई किसी का होर कोई वजह सी की गल क्यों इस तरह होया? एक बच्चे की ही बेटी दसी गई है भी बेटा नहीं हैगा ते तुहाडा टेस्ट करवाया गया सी ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ तो कुड़ी दसी इन्होंने मेरे गलबात करनी मेरे घर वाले ने बंद कर दी। तो अज आए हो अपने सोहरा परिवार के रहन घर है ना कि हुण इत्थे रहना चाहते बच्ची तुहाडे नाल 5.5 साल की तुहाडे जिहड़े मापे कह रहे कि असीं हुण इसनूं इत्थे छड्डण आए हैं तुहानूं अंदर नहीं दाखल होण दित्ता जा रहा गेट लग्या होया? हाँ जी मैं गेट भी खड़काया खोलन दी कोशिश कीता पर अंदरों कहिंदे मैं दरवाजा नहीं खोला नहीं खोलिया गया दरवाजा नहीं खोले गया। आवाज़ा नहीं लगाइया? हाँ जी मैं आवाज़ा लगाइया ने पर इन्होंने अंदर मेरी सस ने जवाब दिता मैं तेनू नहीं अंदर वड़न देनी जब तक मुंडा नाल आएगा तो फिर मैं वड़न देवांगी नहीं तो मैं नहीं वड़न देना। परिवार ना तुसीं हुण कहा नहीं उन्होंने कि मैं तुहाडी नूंह आ जां मेरा विआह इत्थे होया तुसीं उन्होंने कहा नहीं कि मैनूं वाड़ लो मेरा तां हुण की कहंदे ने जिहड़ा हसबैंड तां तुहाडा इटली है उन्हां गलबात नहीं तुहाडी हुंदी ते बच्ची दा की होएगा जिहड़ी 5.5 साल दी तुहाडे नाल है? मैं जो गई सी मैं कल्ली गई सी अपने घर इन्होंने बेटे नाल नहीं सी गई। तो हुण भी इस टाइम कहंदे ने बेटा होएगा साडा फिर अंदर वड़न देवांगे। तो पर हुण असीं इत्थे बैठे असीं अंदर ही मैं इत्थे रहना चाहती मैं इत्थे विआह के इत्थे आई इन्होंने मैं कहा है विआह के मैं इत्थे ही बाहर जाना सी उदों मैं इत्थे मैनूं छड्ड के आए ने सस सहुरा मेरे सब मैं 3.5 साल इन्हों के कोल ही रही हाँ। फोटो भी परिवार दिखा रहा कोई तस्वीर दिखा रहा कि जिस लड़की के नाल ਇਹ फोटो दिखा रहा है किस दी फोटो है जी? यह गोरी की फोटो जी इटालियन लड़की ना रहा पहले ही जिस टाइम मेरी बेटी उत्थे गई ये सामने उन्होंने लैके आंदा रहा घर। ये तुसीं जानते हो तुहानूं पता सी कि लड़की कौन है? फोटो नहीं मैं फोटो दे विच कुछ ऐसी फोटो ने जो मैं नहीं अज तक विखाना चाहती होर भी है ने विच जो तुसीं दे सकदे हो मीडिया नूं जे देना चाहो कुछ जिहड़ी इन्हां दी फोटो जिहड़ी ए वाली फोटो दे सकदे हो? हां जी आ वाली दे सकदे जिहड़ियां होर सी ओह फोन दे विच सी पर ओहने फोन मेरा तोड़ दित्ता सी। ते ए फोटो मतलब कि जिहड़ियां उन्हां दी है ना कुड़ी लड़की दे गलबात सी उन्हां दे नाल? हां जी ओह कहंदे पे सी एक दो वारी इन्हां ने दस्सिया भी सी कि आ कल्ली कुड़ी है ते इत्थे मेरे नाल रेस्टोरेंट 'च काम करदी है ते हुण ओहदे नाल ही मतलब कि रहना चाहंदा सी मैनू मना कर दी सी पर नहीं आ। उस गोरी दा परिवार है ब्याह तो पहले तो इटली रहंदे सी? हाँ जी पहले ही तुहाडे नाल गलबात कीती कि जे ब्याह उधर करवाना तो फिर तुहाडे नाल क्यों ब्याह? हाँ जी आ मैं गल कही सी जे मैनू इत्थे आके धोखा देना सी फिर ब्याह क्यों करवाया मेरे नाल ते पर इन्हां ने प्लानिंग दे नाल ही मैनू इत्थों भेजिया ना जी। एक बेदखली का भी दिखा रहे हैं बेदखल किया हुआ 22/5/2018 कदों गए कदों से इटली? मैं 24 जून 2018 गई हाँ 24 महीने गई सी 2018 जी। एक वंड का दिखा रहे कागज़ जो वंड हुई है तुहाडे परिवार वंड मैनू दस्सिया गया सी कि बेदखली का नहीं मैनू दस्सिया गया सी मैनू सिर्फ उत्थे कहा सी कि उत्थे एक जगह लैनी पिंड दे विच कोई जगह है ओहदे ते साइन करवाने तुहाडे दोवां दे नाम असीं लै लगे हां। अच्छा हाँ जी ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਏ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ। तो उस तो बाद मैसेज भी कहते मैं मेरा हसबैंड आया होया सी वो कहता सी मैं भी तेरा वीज़ा लैके आ सकना वा पर मैं नहीं सी जाना उस टाइम इन्होंने मेरे 2 पेपरों से साइन करवाए सी। अच्छा हाँ जी बेदखल 2022-5/2018 तरीक जी दस रहे बेदखल दी तो उस तो बाद बेदखल करता इन्होंने पता बेदखल किया? हाँ जी बेदखल का नहीं सी पता सिर्फ मैनूं आही कहा गया सी असीं पिंड च कोई जमीन लैनी है। जो बाहर गए हो है ना कितनी तरीक 6वें महीने नूं गए हो है ना तो इसे घर दे विच रहिंदे सी? हाँ जी मैं इत्थे रहिंदी सी इत्थों ही गई हां मैं जी। तो उन्होंने 1 महीना पहले तुहानूं बेदखल किया होया? मैनूं नहीं इस गल का पता है मैनू नहीं तो कहा मैं ये बेदखल है, मैनू नहीं दसिया गया, मैनू इस बारे नहीं पता। हुण तुसीं इत्थे बैठना है? हाँ जी मैं इत्थे बैठी हाँ, इत्थे अंदर ही जावांगी, मैं इत्थे रहना है अपने बच्चे दा नाल, जिन्ना टाइम नहीं दरवाजा खोलणगे मैं नहीं जावांगी। बेटा की नाम है तुहाडा? मेरा नाम एवलिन है। हैं लबनीन? एवलिन। एवलिन, एवलिन पढ़दे हो तुसीं हुण? हां। कित्थे पढ़दे हो? रोमा से। मम्मा से? रोमा दीदी बड़ा अमीर है। कौन रोमा दीदी? किसके पास पढ़ते हो? दीदी कॉल। दीदी कौन कौन सी दीदी? रोशनी दीदी। जी भैन जी कौन है रोशनी, कौन है? जिन्होंने घर मैं रही उन्होंने बेटी है ना, वो घर भी पढ़ाते सी। हाँ जी वो इटालियन ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी आप इंडियन ने ते कुड़ी मतलब कि इटालियन ने, वो पढ़ाती है स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि स्कूल वास्ते कोई खर्चा नहीं देता, कुछ नहीं हैगा ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੜਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪਤੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, उनकी कोई सुनी नहीं फरियाद कुछ नहीं। बाद ज्यों गल्लां उहदियां निकलियां, ये बयान लै सब कुछ झूठ पाया गया, तो ज्यों फिर उन्होंने उतों कढ़िया, जेल चों भी कढ़िया गया, वही फिर नज़रबंद किया गया, उतों भी कढ़िया गया अगली तरीक तो। वह फिर काम नहीं चलता, उन्होंने काम करने की भी इजाजत दी गई। जे एडा झूठा होता तो छड़ सकती है अदालत? ये कहने अनुसार तो हो ही नहीं। इन्हें केस पाए वो तो दो भी मैनू मारदा, दो कतल इन्हें कर दिते, मार के छुट गया सानू। ये लिखा दरखास्त मेरे को पढ़ लो। तो ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਬਾਹਰ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇਟਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ गठजोड़ किया होया, तो इन्हों पता सीगा। इन्होंने यह कहा भी असी लड़की भेज देने, मतलब कि भी इत्थे साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई बोली नहीं आती, महीने के कम दो कम करता, दो महीने किसी बोली आती कोई नहीं। असं तक आप हिसाब अपना बिहार तो बी आते, आप तो बोली नहीं सीखी उन्होंने, वो साड़ी बोली सीख जाते, ठीक है जी। तो इन्होंने इस चीज़ का फायदा चुकया, तो मतलब कि भी यह किसी तरीके नाल तंग परेशान करांगे लड़की वाले, जिस तरह अपने पंजाब आम होंदा बई साडी कुड़ी तंग परेशान करदे, असीं कुड़ी नहीं भेज देंगे, पर साडे दिल च असीं कहंदे कुड़ी उत्थे रहेगी, ते एक कुड़ी अपने घर ला जाणगे, साडों कागज़ी कर सानूं सारा कुछ समान बच जाएगा। उस तो बाद जिहड़ी कुड़ी हरीश घर दी गोरी जिन्हां रेस्टोरेंट होटल चलदे, उत्थे साडे मुंडे दा विआह हो जाएगा, असीं उस प्रॉपर्टी दे मालक बन जावांगे। कोई इन्हां दी हमेशा निगाह रही रुपये पैसे ठगने किस तरह, लुट रहे किस तरह, इन्हां दे घर दे विच असूल बने हुए ने। बाकी जी इन्हें गल कही भी मेरी माता के ना तो कंप्लेन बोली वीडियो को वीडियो हम चैक कर लो, इन्होंने माता के ना बिल्कुल कोई नहीं बोलिया, भूआ सस्सा ने किया, बिल्कुल पलानी के भेजी गई साड़ी कुड़ी, उन्होंने सलाह च भेजी गई है जो मैं तुम्हें दसा प्रॉपर्टी करके, तो इन्हें माता ना रोल हैगा तो ना ही वीडियो बोली है, ये अपने को बनाई जा जो मर्जी बनाई जा। नहीं हुण तुसीं आए हो इत्थे है ना, हरियाणे तो आए हो तुसीं है ना, तो हुण बैग तुहाडा बाहर पिया होया, गेट नहीं खोलिया, तो ये तो ये लड़की के सोहरा साहब आ रहे सी, इधरों ने खड़े हो गए इत्थे, हुण किदां करोगे तुसीं, वापस परतोगे? देखो ना साडा बैग इत्थे पिया रहा, असीं इत्थे धरना ला लांगे, असीं इत्थे बैठे हैं, ये अंदर खोलणगे, असीं बाहर बैठे हैं, असीं इत्थे बैठ लेना जी। तो हुण क्योंकि साडे बच्चे जो घर तो बेघर होणगे, साडे ते पोती है, पर इस पोती ने बेघर करने वाला तो यही है, पहला नूह की हुण पोती नहीं करन लग्या, जिन्होंने अपने पोती का ख्याल नहीं, सिर्फ हम उन्होंने पैसा लालच है, अज पैसा दे दो आज ठीक है। इन्हें पैसा चाहिए बस, मैं मेरी मुरादा पूरी करी जाओ तो ठीक है। सो गलबात होर भी सरपंच साहब भी उस पिंड दे आए ने हरियाणे तो, हाँ उन्हों के आए ने सरपंच साहब भी। सरपंच साहब हरियाणे तो आए हो कैथल तो, सरपंच साहब तुहानू काफ़ी पता होएगा की कारण की है जो दोनों परिवार अज की गल का पता नहीं, सिर्फ ये लड़ाइया का पता है कि उत्थे लड़ाई ना चलती, केस चलते हैं पे। अज तो कोई 4-5 साल पहले एक बार असीं आए हाँ, एक पंचायत के तौर पर आए हाँ, सरपंच साहब के घर बैठे हाँ, इनू लैके आए नाल साडे भाई साहब भी लगते हैं, मेरे कजन ब्रदर ने इन्होंने लैके आए हैं कि चलो माफ़ी मंगो और आपां कुड़ी नूं उत्थे वसाउणी है। ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਢਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ यही कहा भी चलो एक बारी माफ़ करो, आप केस सारे वापस लेने हैं, जोड़े भी केस है सारे आप वापस करा दें और कुछ अपने घर रसो वसो, आप घर उजाड़ के खुश नहीं है, घर बसाइए असीं। अच्छा, तुहाडे वालों समय समय इत्थे राबता कीता पर गल नहीं बनी? नहीं गल बनी। हुण सरपंच साहब तुसीं आए हो है ना, लड़की परिवार तुहाडे नाल आया है ना, तो होर भी व्यक्ति तुहाडे नाल आए, तो हुण पर लड़की नूं नहीं दाखल होण दित्ता जा रहा, सारा परिवार कहिंदा असीं नहीं रखना, साडे ते केस चलदे ने, असीं किद्दां रख लईए। इह तां समझ दी गल है, इन्हां नूं रखना चाहीदा लड़की नूं। एक्चुअली असी एक पंचायत के तौर पर नहीं, एक बरादरी के तौर पर आए हैं, इन्हों रखना चाहिए लड़की जी। एक बच्ची छोटी जी है 5.5 साल की, वो लाइफ खराब है, वो लाइफ खराब है, उत्थे भी जाके सरकारी आवास रह रही है। किसी का घर आप किन्ने दिन रवांगे, मान लो आज ये किसी के घर रह रहे हैं, किन्ने दिन किसी कोई घर रखेगा इन्हों, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਉਹ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੱਗੇ। तो हुण आयो की मंग की करते हो तो इस वे पंजाब दे खड़े हो तो कानून भी पंजाब दे, सब कुछ पंजाब, की मंग की करते हो पंजाब सर? मंग यही करते हैं कि इन्हों बच्ची रख लेना चाहिए घर दे, बाकी केस वापस लेने की जिम्मेवार असीं हैगे आं, असीं वापस लवांगे केस सारे। ये हो जाता है रख है ना, लड़की चलो चले जाते, तुसीं अपने केस वापस करा लोगे? बिल्कुल वापस करावांगे जी सारे, असीं दबाव दे के वापस करावांगे केस इन्हां दे सारे। अच्छा, जो भी गलबात टेबल ते तुसीं करन नूं तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं जी, असीं बैठ के, असीं पहलां भी आए हैं टेबल पर बैठ के गल कीती, फिर दोबारा तैयार हैं जी गल करन। सो गल एक बार फिर कर लेने, वो कह रहे हैं कि टेबल पर बैठने को तैयार हाँ, उत्थे बह के गल करने तैयार हाँ, तो केस भी वापस लै लांगे, जो लड़की रख लो साडी। ये गल है भी केसा की अही कुड़ी नूं भी मुंडिया ने उत्थे अपील की, उत्थे इटली भी केस वापस ले लिया, कुड़ी ने ना ठोक के जवाब दिता, जिन्नी वारी भी की गल तो मतलब असीं भी इन्हां नूं कहा, पहला केस बंद कराई है, सरपंच नूं भी कहा, पर वो केस ना बंद कराए ने। जदों मेरे कोल आए ने सरपंच साहब दसदे ने भी ये अपना अही वो आया तो उदों हाँ हो गई है। मैं इन्होंने ये दिता है, मैं कुड़ी उत्थे रहन दी है, मुंडा उत्थे है, बंदे जनानी की कोई लड़ाई नहीं होंदी, उत्थे हाथ जोड़ के खड़ जाए बंदा भी मेरे को आ गलती तो जनानी मान जाती, जे जनानी खड़ जाए तो बंदा मान जाता। जाओ कुड़ी तुहाडी उत्थे राजीनामा करे अपना, तो रहन कट्ठे, सानू कोई मतलब तराज नहीं। जिहड़ा बाकी ये अपना करदा ना अपना भी ये पैसों का लैण देने, ठग ने ये वो, अही ना कदी अही सच्ची सुची किरत करके अपनी रोटी खाने, अपनी कमाई की, सारी जायदाद अपने टके नाल बनाई है। और 7 लाख का इन्हें चैक दिता, विच गड्डी, विच दाज, सब कुछ, तो किड्डी क वड्डी रकम है, किन्ना कहीं लोभी है जिन्होंने कोल मंगया। कई बार दाज लैना भी तुसीं उस वेले लगता नहीं, दाज जे दिता तो वो दाज ही अज तुहानूं किते ना किते कलैश खड़ा कर गया। अज चैक जिहड़ा दिता वो कायम इन्हां दा, वो जदों भी साडा फैसला होएगा देगा। बाकी इन्हां दे 2 जिहड़े केस चले इत्थे एक दर्ज कराया, अपने नहीं कीता जदों दाज लैणे, चंगी गल है दाज, असीं तां लोकां नूं कहंदे आ कि दाज नहीं लैना चाहीदा, दाज एक जिहड़ी दाज वाली प्रथा चंगी नहीं हैगी, ये तां हुण खत्म हो गईयां चीज़ां, पर असीं इन्हां चीज़ां नूं अगे लैके जावांगे लगदा नहीं। हाँ, ये खत्म होना चाहीदा है, असीं दाज दी साडी कोई डिमांड नहीं है। कहंदे ने भी ओहदे वास्ते अपने सगन वास्ते ना पैसे दी डिमांड, साडी कोई पैसे दी डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं किसी चीज़ दी, ना कितने सोने, ना ये कहते पैसे दे लोभी ने, ना किसी गड्डी दी, ना किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। तो मतलब जो दिता इन्हें अपनी धीड़ दिता, वो साढ़े कोल कायम है, ठीक है। तो बाकी ये कह रहे कि जी जगह जमीन भी सी, वो जगह पहले भूआ के नाम से करती, फिर तुसी कीती, प्लानिंग तहत जो लड़की नूं बाहर भेजा, सिर्फ प्रॉपर्टी का चक्कर सीगा। देखो मेरे को ना जो जान तो पहला कुड़ी का यो ही भी मैं अपने सस सहुरे नूं बिल्कुल वेखना नहीं चाहती, जो गई वो हाल तक नहीं लिजांदा मुंडा। ये कहती मैं तेरे माँ प्यो कोल रहना नहीं चाहती, ना तेरे माँ प्यो ना मैं वेखना चाहनी हाँ। इस विषय पर गई ही मतलब तो ये मतलब इस विषय पर बाहर गई है तो उत्थे जाके ने यह काम करता, तो मुंडे प्रैस किया, पिछों माँ प्यो भी प्रैशर पाया, उधर वालों भी प्रैशर पाया, तो अपना रिश्तेदार वालों तो उत्थे केस चुक मारिया। केस सब कुछ दर्ज के बयान, जो तक केस का कोई फैसला नहीं होता। 3 साल तो लड़की इत्थे रह रही, अपने मूँह तो कह रहे हो कोई गलबात नहीं हुई। अगर कोई लड़की जे कसूर सीगा कि मतलब पसंद ही करती है माँ बाप को, तो इन्होंने रोटी खवाती रही, 3 साढ़े 3 साल रोटी खवाई इन्होंने। उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने कोई गलबात हुई? उस टाइम क्यों नहीं किया इन्होंने कि लड़की सानू देखना ही पसंद करती? कोई साढ़े कोल इन्होंने फादर साहब को कंप्लेंट जानी चाहिए, किसी सरपंच को या किसी को कंप्लेंट जानी चाहिए थी कि लड़की को 3.5 साल हो गया सानू रोटी नहीं पूछ रही। 3.5 साल अपने मूँह तो कह रहे कि सही रही है साढ़े नाल, उत्थे जाके इन्होंने कलेश पिया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ। अच्छा तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ नहीं ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹੋ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾੜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਾਸਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਨਾ। ਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਲ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਦਰ ਹੋ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ, ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਫੋਨ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ, ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੋਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੜੀਚੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਹਰਿਆਣਾ, तो हुण वो जा नहीं रही, तो अंदर वो कह रहे कि सोहरा परिवार लड़की का कह रहा नहीं जान देवांगे, अंदर केस खत्म होंगे, तो हुण तुसीं इत्थे रहोगे जब वापस जाओगे? हुण इत्थे रवांगे, कुड़ी इत्थे घर विआह के लिआई, इत्थे विआह करी सी, इत्थे वाड़नी, इत्थे बैठी आई, बूहे गई जाना नहीं किते भी, कुड़ी इत्थे ही ऐसे घर विआह के आई ना, इत्थे वाड़नी बस, साडी ऐ मंग बस। लड़ाई झगड़ा ना करो जी, लड़ाई ना करो जी। लड़की का परिवार लड़की ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 19 ਨਵंबर ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 4:50। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ दोनों ने किसी तरीके का नुकसान होंगे कोई तो ये घर वाले जिम्मेवार होंगे, सास सहुरे जिम्मेवार होंगे। या कोई सब मेरी बेटी नवजोत कौर या मेरे दोते किसी तरीके के कागज़ या अंगूठा साइन कराते हैं अज की तरीक तो बाद तो ये खुद ही घर सास सहुरे जिम्मेवार होंगे जी। हुणे ताला लगा के चले गए तो फिर बाहर रहेगी बेटी? हाँ जी, जे घर जे घर नहीं आते 24 घंटे तो साड़ी लड़की मेरी बेटी नवजोत का कब्जा समझा जाएगा। आंटी जी ये कह रहे कि तुहाडी जिम्मेवारी तो छड्ड के जा रहे? साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, साड़ी जो मुंडे नाल ही जिम्मेवारी, साडे कई जिम्मेवारी। वो कहंदे तुहाडी बहू है? साडी बहू जरूर है, बहू तो है साडे मुंडे नाल। तुहाडे मुंडे नाल होणी ने मुंडे होणी गलबात भी होई है ना जी? साडी कोई गलबात नहीं होई जी। नहीं हुण तुसीं छड्ड के जा रहे हो? हां जी असं बिल्कुल छड्ड के, इन्हां जिम्मेवारी छड्ड के, इन्हां बाउंड्री अंदर है, इन्हां गेट दे अंदर है। हां जी जो भी जिम्मेवार होगा बेटा तुसी भी इत्थे रहना हुण? हां जी। किहदा घर हैगा ये? पापा दा। मम्मा ठीक है इत्थे रहोगे हुण तुसी ते मम्मा ते तुसी दोनों रहोगे? हां जी। ते दादा दादी दा घर जी। सो देख लिया हुण बच्ची ते उसदे मदर नूं जानी कि अपनी बेटी ते अपनी दोती नूं जिहड़ा छड्ड के हुण उसदे सोहरा परिवार कोल जा रहे ने। उन्होंने ये भी किया कि जेकर कोई गलबात हुंदी है तो सोहरा परिवार जिम्मेदार होएगा। उन्होंने ये क्या है बाकी देखना होएगा हुण लड़की नूं जिहड़ा घर दे दरवाजा दाखिल होण दित्ता क्योंकि ताला लग्या होया अंदर दाखिल मंजे ते बाहर बैठी हुई है। पर लड़की दे परिवार ने कह दित्ता है कि हुणे जिम्मेवारी सोहरा परिवार दे, असीं इस नूं छड्ड चले पोती अते लड़की नूं छड्ड के जा रहे हैं। सो देखदे हुण कि गलबात हुण अगे लड़की नूं अंदर दाखिल करदे आ कि नहीं करदे आ। सो सारियां तस्वीरां तुहानूं अज दा जो भी होया सब कुछ दिखाया है, बाकी तुसीं आप दसना कमेंटां दे विच की सही है जां की गलत है। सो परिवार अज अपनी बच्ची नूं छड्ड के जा रहा 5.5 साल इटली दे विच खज्जल खवार होण तो बाद हुण सोहरा परिवार दे घर और लड़की नूं लड़की के परिवार ने छड्ड दिता है। सो ये भी किया है कि जेकर लड़की ने कुछ होंदा है तो सोहरा परिवार जो इस अलविदा लैने। बने रहो कैमरा पर्सन विजय के नाल, नवदीप सिंह, रोजाना स्पोक्समैन TV, कपूरथला।